हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के 8th लेक्चर को देखने वाले, जहां पे हम पढ़ने वाले टच स्क्रीन के बारे में। डिस्प्ले डिवाइस की ये लास्ट टॉपिक होगी और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं, बहुत सारे मुझे मैसेज आए थे कि सर टच स्क्रीन कॉलेज में हो गया, डिस्प्ले डिवाइस कॉलेज में हो गया, बट हमें कुछ समझ नहीं आया। इस वीडियो में मैं आपको चार क्वेश्चन बताऊंगा, 3 से 4 क्वेश्चन बताऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी टच स्क्रीन। और उन 4 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपकी जो टच स्क्रीन की जो पूरी टॉपिक वो क्लियर हो जाएगी और एग्जाम में सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन है टच स्क्रीन के ऊपर, ज्यादा टफ टॉपिक नहीं, बहुत ही छोटी सी टॉपिक है, इसको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली आज के टाइम पे टच स्क्रीन से सबको ही अवेयर है, मुझे टच के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं यहां पे। बट जिस चीज से बच्चे अवेयर नहीं है वो होती है इसकी प्रोसेस, कि किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है, किस तरीके से फ़ोन सेल फोन्स काम करते हैं, किस तरीके से हम कंप्यूटर पे जब माउस क्लिक करते हैं तो वो चीज़ें ओपन होके आती हैं, इन सब के पीछे आखिर फंडा क्या है वो हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है टच स्क्रीन से पहले। हम लोग नॉर्मली ऑर्डिनरी स्क्रीन की अगर बात करें तो ऑर्डिनरी स्क्रीन में क्या होता है, आप लैपटॉप का कर्सर ले जाते हो, डबल क्लिक करते हैं तो अब वो फाइल ओपन होके आती है। अगर आप कहीं पर एम्प्टी जगह जाके, खाली जगह जाके अगर डबल क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली जो भी प्रोसेस होती है वो होती है कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। माउस को बस कोऑर्डिनेट समझ में आता है। माउस को हमने यहां पे कर्सर ले गया, हम यहां पे अगर कर्सर लेकर आए हैं और हमने यहां पे क्लिक किया, यहां पे जो भी फाइल फोल्डर एप्लीकेशन वीडियो जो भी होगा वो ओपन होके आएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऐसी कोड बताई है, ऐसी कोड सिस्टम को बता रखी कि अगर माउस का डबल क्लिक हुआ, क्योंकि हमारे आप जब आगे सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि माउस इवेंट क्या होता है, कीबोर्ड इवेंट क्या होता है। जब माउस की डबल क्लिक हो रही है, 2 बार माउस की क्लिक हुआ, अगर वहाँ पे कोई फाइल्स मौजूद है तो वो फाइल खुल के आ जाएगा। माउस को नहीं पता कि माउस कौन से फाइल को क्लिक कर रहा है, माउस को बस ये पता है कि मैं इस कोऑर्डिनेट पे क्लिक कर रहा हूँ। जो भी ऑपरेशन, जो भी फाइल्स खुल के आ रही, वो कोऑर्डिनेट के बेसिस पर है कि हमने इस कोऑर्डिनेट पे क्लिक किया। माउस को नहीं पता कि यहाँ पे माई पीसी है, वीडियो है, यहाँ पे आपका नोटपैड है, एमएस वर्ड है, उसने डबल क्लिक किया यहाँ पे और वहाँ पे जो भी एप्लीकेशन वो खुल के आया, इसके पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम की कोड लिखी गई थी कि अगर माउस की डबल क्लिक होगी तो इस फाइल को ओपन करके देना है, अगर माउस की सिंगल क्लिक होगी तो उसको रीनेम करके देना है। ये सब कोड लिखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में। तो जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स पे परफॉर्म होते हैं। सेम टच स्क्रीन में भी सेम चीज़ें होती हैं। टच स्क्रीन में क्या होता है, हमारे कोऑर्डिनेट्स को ट्रैक करता है कि हम यहाँ पे अगर टच कर रहे हैं तो इस कोऑर्डिनेट पे क्या चीज़ है उसको ओपन करके दे दो। सेम जैसे हमारा माउस कीबोर्ड काम करता है, अगर आप ऑर्डिनरी स्क्रीन में किस तरीके से हम ट्रैक करते हैं, माउस और कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस होता है और जो जितने भी इनपुट्स होते हैं वो माउस और कीबोर्ड के द्वारा होते हैं। बट टच स्क्रीन में हमारे जितने भी इनपुट्स होते हैं वो इस फिंगर के द्वारा होते हैं, हमारी उंगलियों के द्वारा, फिंगर्स के द्वारा। मतलब वहाँ पे हम कोई भी इनपुट डिवाइस को इंक्लूड नहीं करते, जो इनपुट डिवाइस होती है वो हमारी फिंगर ही होती है और हमारी जो टच होती है वही हमारी इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। अब हमारे टच को किस तरीके कैसे ट्रैक करता है वो हमें जानना है यहाँ पे। बेसिकली आप बात करें माउस की, कीबोर्ड की या फिर हमारे हाथों की, टच स्क्रीन की बात करें, सब जगह पे जो इनपुट होती है या फिर जितने भी प्रोसेस होते हैं ऑपरेशंस के वो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर होती है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कि टच स्क्रीन या फिर विच टाइप ऑफ डिस्प्ले डिवाइस इज टिपिकली बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आप क्या बोलेंगे, टच स्क्रीन। हालांकि माउस और कीबोर्ड में भी कोऑर्डिनेट को ही एक्सेस करते हैं, बट यहाँ पे हम उन चीज़ों को ज़्यादा मायने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम फिंगर से अब कुछ चीज़ें टच कर रहे होते हैं तो जो डिस्प्ले डिवाइस होती है वो हमारे कोऑर्डिनेट्स को एक्सेस करती है कि फिंगर कहाँ पे टच की गई है। सपोज करो ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है, हमने अपने फिंगर को यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, तो अब ये जो डिस्प्ले डिवाइस है वो किसी ना किसी तरीके से इस कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेगी। ये जो कोऑर्डिनेट, सपोज करो ये कोऑर्डिनेट 1, 2 है, जस्ट सपोज करो, तो ये 1, 2 को एक्सेस करेगी, 1, 2 पे कुछ ना कुछ चीज़ें टच हुई है, मतलब वहां पे जो भी फाइल्स है उसको आप ओपन करके दे दो। ये प्रोसेस होता है टच स्क्रीन का, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। जितना डिप्लोमा में आपको पढ़ना है तो डिप्लोमा के लिए सबसे पहली क्वेश्चन आपको मिल गई, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टच स्क्रीन्स आर बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम, टिपिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो भी टच स्क्रीन की जितने भी इनपुट्स होते हैं वो सारे कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करते हैं, किस तरीके से कोऑर्डिनेट को हम एक्सेस कर रहे हैं। और उन कोऑर्डिनेट्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास 3 तरीका होता है, सबसे पहला ऑप्टिकल, दूसरा इलेक्ट्रिकल और तीसरा एक्विस्टिकल। ये 3 तरीका है जिससे हम आप लोग अपने कोऑर्डिनेट्स को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। ये तीनों अलग अलग टाइप के टच स्क्रीन होते हैं। बेसिकली पहले हमने डिस्प्ले डिवाइसेस में बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिस्प्ले डिवाइसेस को देखा, अब हमने टच स्क्रीन के अंदर 3 अलग अलग मेथड्स होते हैं
टच इनपुट को रिकॉर्ड करने के, क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, टच के द्वारा। टच हम कर रहे हैं, वहाँ पे इनपुट रिकॉर्ड हो रहा है। तो इन इनपुट को रिकॉर्ड करने के लिए तीन तरीके होते हैं, एक ऑप्टिकल, एक इलेक्ट्रिकल और एक एक्वेस्टिकल। ठीक है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मेथड टू ट्रैक टच इनपुट, वहाँ पे ये तीन ऑप्शन दे देंगे, ऑल ऑफ दीज दे देगा या फिर इन तीनों में से कोई अलग ऑप्शन दे देगा। आपको ये तीन ऑप्शन याद रखने कि ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल एंड एक्वेस्टिकल। अब तीनों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें जाननी ज़रूरी है, एक एक लाइन का डेफिनेशन जो आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों मेथड्स की जो बेसिक चीज़ें हैं कि इन तीनों में ये जो तीन मेथड्स हैं, ऑप्टिकल में किस तरीके से कोऑर्डिनेट को ट्रैक किया जाता है, इलेक्ट्रिकल में कोऑर्डिनेट्स को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है और एक्वेस्टिकल में कोऑर्डिनेट को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब इसके नाम से आपको थोड़ी बहुत मतलब समझ में आ रही है। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल का मतलब था लाइट के टर्म्स में, लाइट। ऑप्टिकल डिवाइसेस का मतलब था लाइट्स, लाइट के टर्म में बात हो रही होगी। इलेक्ट्रिकल का मतलब कंडक्टर्स, इंसुलेटर के टर्म में बात हो रही होगी। एक्वेस्टिकल का मतलब वेव्स के रूप में, म्यूजिकल वेव्स के रूप में, साउंड के रूप में बात हो रही होगी। आपको मैं एग्जाम की ट्रिक बताता हूँ, जब भी आपके एग्जाम में से कुछ तरह के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होता है क्या करना है, सपोज करो मैंने आपको दो तीन क्वेश्चन बताए, इसके बाहर के क्वेश्चन आ गए, दुनिया में कहीं के भी क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी लाइट की बात हो रही होगी, अगर टच स्क्रीन का क्वेश्चन है और वहाँ पे बात हो रही है लाइट्स की, तो आपको ऑप्टिकल पे टिक कर देना है। जहाँ पे बात हो रही है कंडक्टर इंसुलेटर की, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल पे टिक कर देना है। और जहाँ पे बात हो रही होगी वेव्स की, साउंड की, नॉइज़ की, वहाँ पे आपको एक्वेस्टिक पे टिक कर देना। नो मैटर आपको वो टॉपिक आता है या नहीं आता, बट ये ट्रिक है कि ये जो तीनों का जो बेसिक मतलब वही होता है, ऑप्टिकल में लाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल में कंडक्टर इंसुलेटर होती हैं और एक्वेस्टिकल में साउंड वेव्स होती है। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में आपको दो दो लाइन बता देता हूँ ताकि आप थोड़े और कॉन्फिडेंट हो जाएं, और अगर आपकी ये रिटन एग्जाम होती है तो वहाँ पे आपको इन तीन पॉइंट्स को आप लिखते हैं तो सफिशिएंट होगा। बोर्ड पर जितना पॉइंट, अगर आपने इतने पॉइंट्स भी एग्जाम में लिख दिए थ्योरी एग्जाम में, मोर देन इनफ। टच स्क्रीन जब भी आती है तो आप एक दो पॉइंट्स लिख दो टच स्क्रीन किस तरीके से काम करती है। और एप्लीकेशन देना बहुत जरूरी है, एप्लीकेशन में आप बहुत सारी लैपटॉप डाल सकते हैं, फूड रेस्टोरेंट की जो मॉनिटर होती है, हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं, रेलवेज में यूज़ करते हैं, बैंक्स में यूज़ करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े मशीन में यूज़ करते हैं, इन सब जगह पे आप टच स्क्रीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ऑप्टिकल टच स्क्रीन की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्टिकल टच स्क्रीन यूजेज अ लाइन ऑफ इंफ्रारेड लाइट इमिटिंग डायोड्स अलॉन्ग वन हॉरिजेंटल एज ऑन द स्क्रीन। इसका भी फंडा वही है कोऑर्डिनेट को एक्सेस करने का, बट ये किस तरीके से कोऑर्डिनेट को एक्सेस कर रहा है, ऑप्टिकल स्क्रीन यूजेज अ लाइन ऑफ इंफ्रारेड लाइट, यहाँ पे इंफ्रारेड लाइट की मदद से ये उसके कोऑर्डिनेट को एक्सेस कर रहा है। अब इसकी जो पूरी प्रोसेस है कि वो किस तरीके से एक्सेस कर रही है, आपको जानने का जरूरत नहीं है, ये आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए डिप्लोमा बेसिस पे, क्योंकि अगर आपने इतना डीप गए तो आपकी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगी और आप ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपको बस इतना जानना जरूरी है कि इन तीनों की बेसिक टाइप क्या क्या होती है। जो ऑप्टिकल टच स्क्रीन होता है हमारा, वो इंफ्रारेड काइंड ऑफ लाइट को यूज करता है कोऑर्डिनेट को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए कि कौन से कोऑर्डिनेट पे हमारा कौन सा मेन्यू है। ये मेरी टच बोर्ड नहीं है, अगर टच बोर्ड होती तो मैं आपको दिखाता कि किस तरीके से मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो ये मेन्यू खुल जाएगी। अगर जैसे ही मैं यहां पे क्लिक करता हूं, वैसे ही ये जो पूरा स्क्रीन है ये इस कोऑर्डिनेट को एक्सेस करेगा कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई में कौन सा कोऑर्डिनेट है और इस कोऑर्डिनेट पे क्या चीजें हैं, कौन सा एप्लीकेशन, वीडियो, फाइल, फोल्डर जो भी है उसको ये ओपन करके दे देगा। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रिकल टच स्क्रीन में एक ट्रांसपेरेंट प्लेट्स होते हैं, दो ट्रांसपेरेंट प्लेट्स होते हैं, दोनों ट्रांसपेरेंट, एक वन इज कोटेड विद कंडक्टिंग मटेरियल एंड अदर इज कोटेड विद रेसिस्टिव मटेरियल। एक कंडक्टर का काम करता है, एक रेजिस्टर का काम करता है। ठीक है, एक कंडक्टर का, एक रेजिस्टर का। अब आपसे ओरल्स में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विच टाइप ऑफ मेथड इन टच स्क्रीन यूजेस टू इलेक्ट्रिकल प्लेट्स, तो आपको बताना है इलेक्ट्रिकल मेथड, जहाँ पर एक जो प्लेट होता है वो कंडक्टिव प्लेट होता है, जहाँ जिसको हम लोग कंडक्टर से कोटेड करते हैं, और एक होता है रेजिस्टिव प्लेट जिसको हम लोग रेजिस्टेंस से कोटेड करते हैं। तो उसके उस कॉन्टैक्ट से कोऑर्डिनेट को एक्सेस, जब वो दोनों एक दूसरे में कॉन्टैक्ट होते हैं और उस कॉन्टैक्ट से बेसिकली उसके कोऑर्डिनेट को एक्सेस किया जाता है। ठीक है, थर्ड होता है हमारा एक्वेस्टिक टच स्क्रीन, यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स इन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस, स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स आर
कैलकुलेटेड बाय ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। यहाँ पे क्या होता है, साउंड वेव्स के द्वारा हम लोग स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली जो जितने भी तीन टाइप्स हैं, तीन मेथड्स हैं, उन सब में हम लोग सेम चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम लोग स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स को ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको आती है कि ऐसी कौन से डिस्प्ले डिवाइस है जहाँ पे आपको स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करना है, वो टच स्क्रीन होता है। तीन मेथड्स हैं आपको याद रखने, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, एक्वेस्टिकल। जब भी लाइट की, पहला दूसरा क्वेश्चन हुआ आज का हमारा, जब भी लाइट्स की बात आएगी तो ऑप्टिकल होगा, वो ऑप्टिकल इंफ्रारेड लाइट को यूज़ करता है। इलेक्ट्रिकल दो कंडक्टिंग प्लेट्स को यूज़ करता है, दो ट्रांसपेरेंट प्लेट्स को यूज़ करता है, एक कंडक्टिंग होता है, एक रेसिस्टिव होता है, और थर्ड एक्वेस्टिकल जो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स को यूज़ करता है। ठीक है, आई थिंक आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर टच स्क्रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, तो आई थिंक आपकी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। इसके नोट्स, असाइनमेंट, MCQ, क्वेश्चन, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे क्लासरूम पे मैं सब चीज़ें शेयर करते रहता हूँ, नोट्स वगैरह सब। 7th लेक्चर तक की नोट्स ऑलरेडी बच्चों को मिल चुकी है, सब कुछ फ्री है, किसी की भी चार्ज नहीं है। अगर आपको नोट्स, MCQ, क्वेश्चंस वगैरह चाहिए तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ पे क्लासरूम की लिंक आप पूछेंगे, आपको क्लासरूम की लिंक मिलेगी, उसके बाद आपको सारे नोट्स वगैरह मिल सकते हैं। अगर आपके किसी कोई फ्रेंड है तो प्लीज़ उस इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करो, कॉलेज में शेयर करो, ताकि सब बच्चों को आसान लैंग्वेज में कंप्यूटर ग्राफिक्स की लेक्चर्स टाइम टू टाइम पर मिलते रहा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आगे चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।